दोस्तों जब बात होती है तूफानी फास्ट बॉलर्स की तो सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो है शोएब अख्तर। इनके बाजू में इतनी जान थी कि 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले एक ओडीआई मैच में एक ऐसी गोली की स्पीड की गेंद फेंकी जिसकी रफ्तार 161.3 किलोमीटर पर आर थी। 20 साल गुजर चुके हैं लेकिन अब तक कोई माइका लाल पैदा ही नहीं हुआ जो शोएब अख्तर का ये रिकॉर्ड तोड़ पाया हो। अगर बात करें करंटली एक्टिव फास्ट बॉलर्स की तो मौजूदा क्रिकेट में कुछ ऐसे जानदार फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं जो शोएब अख्तर का ये रिकॉर्ड तोड़ने की अहलियत रखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मौजूदा दौर के 5 ऐसे धुआंधार फास्ट बॉलर्स के बारे में बताने वाले हैं जो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके Knowledge786 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नंबर 5 एनरिक नोकिया। दोस्तों एनरिक नोकिया का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है और ये दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स में से एक हैं। इनका मेन हथियार इनकी पेस है जिससे ये बड़े बड़े बल्लेबाजों की छुट्टी करवा देते हैं। बल्लेबाजों के लिए इनके खतरनाक बाउंसर्स का सामना करना कोई आसान काम नहीं क्योंकि इनकी एवरेज बॉलिंग स्पीड 150 से ऊपर ही रहती है। ये रिसेंट T20 वर्ल्ड कप 2022 के तीसरे तेज तरीन बॉलर थे जिसमें इन्होंने 154.3 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से गेंद करवाई। इनकी अब तक की सबसे तेज तरीन बॉल की स्पीड 156.2 मैयर की गई है जो इन्होंने IPL 2022 में करवाई। ये रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी शोएब अख्तर की फास्टेस्ट बॉल के मुकाबले में काफी कम है लेकिन फिर भी इनकी जबरदस्त पेस, फिटनेस और उम्दा बॉलिंग को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसा मुमकिन है कि ये शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सके। नंबर 4 लुकी फर्गसन। लुकी फर्गसन का शुमार भी दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स में होता है और अपनी धुआंधार बॉलिंग से ये न्यूजीलैंड की टीम के लिए मेन हथियार का काम करते हैं। ये एक ऐसे खतरनाक फास्ट बॉलर हैं जो मुसलसल 150 की रफ्तार से गेंद करवा सकते हैं। अपने खतरनाक बाउंसर से ये कई बल्लेबाजों को जख्मी भी कर चुके हैं। ये इस वक्त IPL हिस्ट्री के तेज तरीन बॉलर हैं जो कि IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 157.3 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से गेंद करवा चुके हैं जो कि इनकी अब तक की सबसे तेज तरीन बॉल है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये T20 वर्ल्ड कप 2022 के भी दूसरे तेज तरीन बॉलर हैं जिसमें ये 154.5 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से गेंद करवा चुके हैं। इनकी काबिलियत को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अपने बकिया कैरियर में ये अपनी तेज तरीन बॉलिंग से शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। नंबर 3 मार्क वुड। इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले 33 साल मार्क वुड दुनिया के एक खूंखार फास्ट बॉलर हैं। इनकी फेंकी गई गेंद एक बुलेट की हैसियत रखती है जिससे ये कई बल्लेबाजों को निशाना बना चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 में इन्होंने बहुत उम्दा बॉलिंग करवाई और ये इस वर्ल्ड कप के सबसे तेज बॉलर थे जिसमें इन्होंने 154.7 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से गेंद करवाई जो इस वर्ल्ड कप की तेज तरीन बॉल थी। इनकी करवाई गई अब तक की फास्टेस्ट बॉल की स्पीड 156.1 किलोमीटर पर आर है जो इन्होंने एक टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ करवाई। इनकी एक्यूरेसी, स्पीड और लेनो लेंथ को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आने वाले वक्त में शोएब अख्तर का रिकॉर्ड क्रॉस करने की अहलियत रखते हैं। नंबर 2 उमरान मलिक। दोस्तों उमरान मलिक इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे फास्टेस्ट बॉलर हैं और मौजूदा दौर के तेज तरीन बॉलर्स में से एक हैं। इन्होंने 2022 में अपना कैरियर शुरू किया और आते ही अपनी खूंखार बॉलिंग से पूरी दुनिया पर छा गए। इनकी अब तक की तेज तरीन बॉल की स्पीड 157 किलोमीटर पर आ रहा है जो इन्होंने IPL 2022 में करवाई थी। लुकी फर्गसन के बाद ये IPL के दूसरे तेज तरीन बॉलर हैं। इनकी धुआंधार स्पीड की वजह से इंडियंस का ये मानना है कि ये इंडिया के शोएब अख्तर हैं और आने वाले वक्त में ये इनका रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। बहरहाल उमरान मलिक दुनिया के एक तेज तरीन फास्ट बॉलर हैं और अभी इनके कैरियर की शुरुआत है। उम्मीद है कि अपने कैरियर में ये कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करेंगे। नंबर 1 हारिस रो। दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की सरजमीन है और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। हारिस रो पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक का मेन करेक्टर है जिन्हें दुनिया इनकी एक्यूरेट और एग्रेसिव बॉलिंग की वजह से जानती है। हारिस रो PSL के फास्टेस्ट बॉलर हैं जिसमें इन्होंने 154.7 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से गेंद करवाई जो PSL की अब तक की तेज तरीन बॉल है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये साल 2022 में T20 मैचेस में 140 से जायद की रफ्तार से 412 डिलीवरीज करवा चुके हैं जो कि एक बहुत बड़ी बात है।
इनकी अब तक की फास्टेस्ट बॉल की स्पीड 159 किलोमीटर पर आर है, जो इन्होंने पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली 2022 की T20 सीरीज के पांचवें मैच में करवाई थी। इनकी धुआंधार और खतरनाक गेंदबाजी को अगर देखा जाए तो ये शुएब अख्तर के कदरे करीब है, और ऐसा मुमकिन है कि ये अपने कैरियर में रावलपिंडी एक्सप्रेस की स्पीड को क्रॉस कर जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सा बॉलर शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है या फिर कोई नहीं तोड़ सकता? इस बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नॉलेज 786 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शुक्रिया।